नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। इस वीडियो में हम आपको अपने आसपास पाए जाने वाले शैवालों एवं सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं स्पायरोगायरा से। स्पायरोगायरा स्वच्छ, स्थिर अथवा धीमे बहते हुए जल में पाया जाने वाला तंतुवत शैवाल है, जो हरे रंग के बालों के समान दिखाई देता है। यह अत्यंत कोमल होता है। आइए हम स्पायरोगायरा को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। यह चित्र स्पायरोगायरा का है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पायरोगायरा हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसके हरे हरे क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल अथवा सर्पिल स्वरूप में जमे हुए हैं, जिसके कारण इसको स्पायरोगायरा इसका नाम पड़ा है। इसके पश्चात हम एक और शैवाल का अध्ययन करेंगे। यह शैवाल हमें धान के खेत में भी मिलता है। इसे उडोगोनियम कहते हैं। उडोगोनियम स्पायरोगायरा की अपेक्षा थोड़ा कड़ा होता है। स्पायरोगायरा इससे कोमल होता है। आइए इसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। यह चित्र उडोगोनियम के युवा तंतुओं के चित्र हैं। स्पायरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल क्रम में जमे होते हैं। इसमें उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये हरे रंग में आप देख सकते हैं उडोगोनियम। यह युवा तंतु है। इसके पश्चात आइए हम अध्ययन करते हैं कुछ परिपक्व तंतुओं का। ये उडोगोनियम के परिपक्व तंतु हैं। फूले हुए भाग प्रजनन हेतु तैयार कोशिकाएं हैं। यह चित्र भी उडोगोनियम का ही है। इसके पश्चात हम नील हरित शैवाल का अध्ययन करेंगे। वास्तव में ये एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं। यह धान के खेतों में पाए जाते हैं। वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जो धान के लिए लाभदायक है। नील हरित शैवाल को जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो यह इस प्रकार का दिखाई देता है। मणियों के समान व्यवस्थित कोशिकाएं। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, जिसका नाम एनाबिना है। इसके पश्चात आइए देखते हैं पैरामीशियम को। पैरामीशियम स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय प्रोटोजोअन जीव है। इसकी आकृति चप्पल के समान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बदलते हुए फोकस में आप इसके आंतरिक अंगों को भी देख सकते हैं। यह सीलिया के माध्यम से गति करता है। इसके शरीर के चारों तरफ सीलिया अथवा रोएं पाए जाते हैं। आप पैरामीशियम को देख रहे हैं। इसके पश्चात आइए देखते हैं युगलीना को। युगलीना, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके माध्यम से यह प्रकाश संश्लेषण करता है, साथ ही कशाभिका पाई जाती है, जिसके माध्यम से यह गति करता है। इसके सिरे को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको लाल रंग का एक बिंदु दिखाई देगा, जो आई स्पॉट कहलाता है। यह प्रकाश संवेदी अंग होता है युगलीना का। यह पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और जीवों की भांति चल भी सकता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं क्लॉस्टेरियम को। यह भी एक प्रकार का शैवाल है अथवा एक कोशिकीय शैवाल है, जिसे हम क्लॉस्टेरियम कहते हैं। यह बीच में चौड़ा व किनारों पर नुकीला होता है। इसे क्लॉस्टेरियम कहा जाता है। हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए, अपने मूल आकार से 450 गुना बड़ा आकार में आपको दिखाई दे रहा है सूक्ष्मदर्शी से। उसके पश्चात हम आइए अध्ययन करते हैं एक और सूक्ष्म जीव का। इसे हम कास्मेरियम कहते हैं। तितली के आकार का आपको यह दिखाई दे रहा है और उसी तरह फड़फड़ाते हुए यह जल में गति करता है। इसे हम कास्मेरियम कहते हैं। कास्मेरियम के पश्चात आइए देखते हैं फेकस। यह हरे रंग का एक कोशिकीय जीव। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
जिसके माध्यम से यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। साथ ही इसमें कशाभिका भी पाई जाती है जिसके माध्यम से यह गति करता है। एक कोशिका जो फोकस से लगभग बाहर है वो गति करता हुआ आप इसे देख सकते हैं। यह है फेकस। इसके पश्चात हम कुछ डायटम्स का अध्ययन करेंगे। ये भी शैवालों के समूह के विशेष सदस्य होते हैं जिन्हें डायटम्स कहते हैं। यह है कैलोनीस, छड़ के आकार का डायटम्स, इन्हें हम डायटम कहते हैं। यह दूसरा डायटम नेविक्यूला आपको चलते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा है आपको यह पसंद आई होगी।